लेना है। एक लड़का मल्टीपल लड़कियों के साथ रिलेशन बनाए, वो मर्द, राइट। और अगर एक लड़की आपके हिसाब से उसके रिलेशनशिप है, तो जैसे जबलपुर में हो, बोले मार डालो उसको, कौन सी क्वालिटी की बात कर रहे हो? वो देखो, सो कॉल्ड मर्द ने भी लड़की का एक्सप्लॉयटेशन किया है, जिसको अब आप डिग्रेड कर रहे हो बाय असाइनिंग सर्टेन स्टेटस कि साहब वो इस तरीके की उस तरीके की है। भाई साहब, उसको इस गड्ढे में अगर आप कह रहे हो गिरी हुई है, गिराया किसने? सो कॉल्ड मर्दों ने। आपको उसकी इज्जत इतनी प्यारी थी, तो किसी की इज्जत उछाली क्यों? मर्दानगी दिखाने के लिए। ये कौन सी बात हुई? हम करें तो मर्द, और जिसके साथ करें वो डाउनग्रेडेड। इसका तो मतलब हो गया आपने उसको एक विलासिता का वस्तु मान लिया। इस पे 17 तारीख का जजमेंट है पारदी बालाजी का, उन्होंने कोट किया है जॉन साहब की साइटेशन, मतलब जो थॉट्स होते हैं कि मैं उसका हिंदी ट्रांसलेशन एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा, कि अक्सर हम ये समझाते हैं कि वुमेन्स को या लड़कियों को कि आप ऐसे बनो कि आपके साथ घटना ना हो, ये वाली कथा। लेकिन असलियत ये होनी चाहिए कि उनको समझाइए कि ऐसे चीजों को नहीं करना। मैं वही कह रहा हूँ, हम उसके करें बाद तो जो हम मर्द, चालू किया, हम इसके बाद करें। जम्मू कश्मीर में कल का, मैं वही कह रहा हूँ, लड़का करे तो मर्द, अब जिसके साथ करे वो डाउनग्रेडेड। ये कौन सी बात? वही वाला केस है जिसमें जम्मू कश्मीर में एक मंदिर में से लड़की को ले जाके कठुआ वाला, उसके घर, कठुआ कांड, जम्मू कश्मीर में देवस्थान मंदिर में ले जाके फिर अंदर 3 दिन उसके साथ कठुआ के, कांड फिर था मेरे ख्याल से, वो कठुआ कांड था, तो इतना याद नहीं है रात वो को जगह का बात। नाम है, कठुआ कांड है। एंड दैट केस वाज ट्रांसफर टू पंजाब, और उसका ट्रायल पठानकोट में हुआ। कल भी जब वो 17 को जजमेंट आया एज था आई उसका, रिकॉल, एज आई, वो माइनर का जजमेंट आया वो माइनर का आया है है ना, वही वाला, उसी में वो स्टार्टिंग में कुछ यस, वो किया कठुआ कांड है, उसका ट्रायल ट्रांसफर हुआ था टू पठानकोट, और पठानकोट में कुछ लोगों का कन्विशन हुआ, ये लो, वो सबका हो गया था, इसका फिर ऐड किया ये था। माइनर का था। हाँ और लास्ट एक और, व्हाट्सएप ने अभी जैसे जनरली व्हाट्सएप कहते हैं स्पेसिफिकली रेप केसेस में, कि जो जिसमें पॉक्सो भी नहीं है, कि 4 सीट पेश हो गई है, 4 बताते हैं, और इंटरोगेशन रिक्वायर्ड नहीं है, डिले ट्रायल है, और तो अभी बेल कैंसिल किया है एमए के जजमेंट में 17 तारीख को सुप्रीम कोर्ट ने, ये कहते हुए कि भले डिले एफआईआर है, आपका एफआईआर का कंटेक्स्ट देखेगी कोर्ट, उसके बाद आपकी 4 सीट पेश हो गई है, तो फिर 4 सीट का कंटेंट भी देखेंगे, और सिर्फ ये कहना कि और इसके बाद फिर बेल खारिज की, चलो ये सर, एनालॉजी के साथ कि अगर कंटेंट 4 सीट में आया है तो इट हैज टू बी सीन, और सिर्फ ये नहीं कहा जाएगा कि अब तो विनोद रिक्वायरमेंट जी नहीं अच्छा है, लगा कि ये 17 तारीख इतने का सालों जजमेंट के है। बाद आज अखबार ने अप्रिशिएट करना शुरू किया है हमारे व्यू को। पहले तो ये कहते थे बड़े सब स्ट्रिक्ट हैं, सब बहुत स्ट्रिक्ट हैं। सर, नहीं तो बस पढ़ा तो था, अगर हम स्ट्रिक्ट हैं तो समाज को जिसमें हम रहते हैं एक स्ट्रिक्ट सोसाइटी देने की स्थिति में आएंगे, जिसमें हम भी रहते हैं। सर, हम ये कह रहे हैं आपसे, अगर आज किसी और के साथ अपराध हुआ, कल को हमारे साथ भी हो सकता है, ये हम भूल जाते हैं। और फिर जिसके साथ अपराध हुआ उसकी मनस्थिति क्या, उसको तो हमें परवाह ही नहीं करना है। इफ ठीक समबडी हैज कमिटेड एन ऑफेंस, हम कहते हैं कि इफ इट इज मॉरली बैड आई एम लीस्ट कंसर्न, बिकॉज इट इज इफ इट इफ दैट एक्ट इज नॉट एन ऑफेंस आई एम लीस्ट कंसर्न। एज ए जज आई एम नॉट सपोज टू एडजुडिकेट वेदर ही वॉज मॉरली करेक्ट और नॉट, एंड एज ए जज आई एम ओनली सपोज टू फाइंड आउट एज टू वेदर हिज एक्ट वॉज इन अकॉर्डेंस विद लॉ और नॉट, दैट इज ऑल। उसने ऑफेंस किया है, ही मस्ट फेस द कॉन्सिक्वेंसेस, अदरवाइज लॉलेसनेस आ जाएगी सोसाइटी में, एंड देन वन डे वी विल ऑल्सो बी द विक्टिम ऑफ सेम लॉलेसनेस। जजमेंट तो सर, 6 साल के बाद अप्रिसिएशन स्टार्ट हुआ है, में कल भी अभी भी क्लास लगने का डर है आपको अपने साथियों का? अभी भी इस बात की चिंता नहीं है कि भाई अगर सोसाइटी में लॉ ने किसी ऑफेंसर को गलत माना है, किसी तो एक्ट कहते को, हैं बैलेंस बनाना चाहिए। मैं क्या कह रहा हूँ, अगर आप, मैंने तो कभी नहीं कहा कि आपका ये काम जो है मॉरली गलत है इसलिए हम नहीं करेंगे। हम तो कहते हैं दिस इज द लॉ, टेल मी हाउ यू आर नॉट कवर्ड। अल्टीमेटली
बहुत ज्यादा लिबरलाइज व्यू होने से एक समाज में मैसेज जा सकता है, ये मेरा ओपिनियन है सर, नॉट एज अ जज। मैं इसी पे सपोर्ट कर रहा हूँ लॉर्ड से। इस पर्टिकुलर इस 11वें महीने में एपेक्स कोर्ट ने क्रिमिनल में तकरीबन 2 से 3 बिल कैंसिल किए हैं, इसी वजह से होके आ रही है, सुप्रीम कोर्ट कैंसिल कर रही है। नो, इसी वजह से, क्योंकि जो कंसिडरेशन था चार्जशीट पे हो गई डिले है, जो ग्रेविटी को हाल नहीं किया था। आज आपकी क्लास लगने वाली आपके साथियों को, जैसा आपने अप्रिहेंशन एक्सप्रेस किया, मुझे नहीं लगता कि आपके साथी आपकी क्लास लगाएंगे। वो तो कहेंगे कि यार तुमने हमारी आंखें खोल दी।